हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय क्रिएटिव। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक ग्राफ लाई हूँ, जो कि ग्राफ में मैं बताना चाहूँगी कि पेटीकोट का कपड़ा को कैसे कटिंग किया जाता है। तो आपको चलिए ग्राफ के सहायता से मैं समझाना चाहती हूँ साया का कटिंग। तो इसमें हम समझेंगे साया का कटिंग कैसे करना है। तो उससे पहले हम आपको समझा देती हूँ कि जो हमारा साया का पहले कमर निकालना होता है, तो कमर को 1/2 फोल्ड करके 5-5 इंच का कमर पट्टी कमर का काट लेंगे। और जो ये होता है 20 और जो 25 लिखा है, वो 20 हुआ मीडियम और 25 हुआ हेल्दी का। तो आपको इस कमर का बनाना होता है, तो 20 आइदर बना सकते हो, नहीं तो 25 बना सकते हो। चलिए हम लोग आगे समझ लेते हैं। साया का कपड़ा जैसे रहेगा उसी तरह रख कर कमर का पट्टी को काट लेंगे। समझिए, जो साया का कपड़ा जिस तरह फोल्ड होके आता है उसी तरह फोल्ड ही रहने देंगे। और उसी फोल्ड को हम 5 इंच में एक और एक में 5 इंच, दूसरी 5-5 इंच में कट जाएगा, मतलब 2 को 5-5 इंच में बेल्ट को काट लेंगे। उससे हम जितना कमर में घेरा रहेगा, जितना रखना आपको घेरा 20 या 25, जितना भी गहरा रखना उतना रख कर बाकी कपड़े में डोरी बना लेंगे। तो जितना हम लोग को रखना है उतना रख कर बाकी जो कपड़ा बचा रहेगा उसको हम लोग डोरी बना देंगे। और बाकी जितना कपड़ा बचेगा उसको हम लोग इस तरह फोल्ड करना है। आपको इस तरह फोल्ड करके पेटीकोट को निकालना है। ये 4 कली का पेटीकोट बनेगा। तो फर्स्ट सब फोल्ड करेंगे तो आपको इस तरह स्क्वायर शेप में मिलेगा। तो ऊपर की ओर कमर और नीचे की ओर कमर, इस तरह कटिंग होता है। तो 5 इंच का ऊपर की ओर कमर और नीचे 5 इंच का कमर टिक कर देंगे। और 5-5 इंच को इंची टेप की सहायता से या स्केल की सहायता से मिलाकर हम इसे कट करके निकाल देंगे। तो एक साइड बंद रहेगा, एक साइड खुला मिल जाएगा। तो इस साइड हमें 4 फोल्ड मिल जाएगा, इस साइड 2 फोल्ड मिलेगा। तो ये हो गया 4 कली का। उसके बाद इसको फोल्ड करके नीचे की ओर से 1/2 इंच कटिंग कर दिया जाता है। ये हुआ हमारा पेटीकोट का ग्राफ। चलिए हम पेपर की सहायता से समझेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा 2 मीटर कपड़ा रहा, ये इस तरह ही लंबे फोल्ड में आएगा। तो हम ऊपर की ओर से देखिए 5-5 इंच का ऊपर की ओर से हम लोग बेल्ट निकाल लेंगे। देखिए एक ये रहा हमारा 5 इंच का बेल्ट, ये इस तरह इसको डबल फोल्ड करके 5 इंच का बेल्ट पहले एक निकाल लेंगे। निकाल लिए, उसी तरह एक और 5 इंच का बेल्ट फोल्ड करके निकाल लेंगे हम। देखिए ये भी हमारा हुआ 5 इंच का बेल्ट, इसको भी कट करके निकाल देंगे। अब इसको पहले समझते हैं। ये 5 इंच का बेल्ट हुआ, देखिए इसको इसे हम लोग को फोल्ड करना है। आपको जितना कमर रखना है 20 या 25, उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह रख लीजिए। अब बाकी जो कपड़े, इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे और बाकी आपको जितना रखना उतना रख के जितना ज़रूरत है बेल्ट में रख लीजिए। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो बढ़े बचेगा उससे आप कमर का डोरी बना दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी बचे हुए कपड़े को इसको हम लोग इस तरह खोल देंगे। खोल के इसको हम लोग देखिए पहले इस तरह फोल्ड था लंबे शेप में, क्योंकि इसका चौड़ाई नहीं है, समझिए। इसको हम लोग को इस तरह खोल के इस तरह डबल फोल्ड करना है। इस तरह डबल फोल्ड करके उसके बाद फिर इसको इस साइड फोल्ड करना है। इस साइड फोल्ड कर दिए, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर बन गया। चाहेंगे तो आप नहीं भी खोलना चाहोगे तो भी इसको डबल फोल्ड में ही रख के, पर
पर इसके पीछे भी है। क्या होता है कि ये जो लंबाई, आदमी का लंबाई कम बेसी होता है, ठीक है। तो उसी के लिए हम ऐसे लंबे फोल्ड में रख के इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, देखेंगे कि हमारा लंबाई मिल रहा है। अब इसको हम लोग को क्या करना, कुछ नहीं, इस साइड से देखिए, इस साइड बंद है, इस साइड ओपन है, ये देखिए ओपन एरिया है, ओपन एरिया है, फोर फोल्ड है, देखिए फोर फोल्ड है, ओपन एरिया, ये बंद एरिया। ऊपर हम लोग यहाँ पे 5 इंच, नीचे की ओर से 5 इंच, कोई हेल्दी होगा तो 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, ठीक है। ये मीडियम का मैं बता रही हूँ, ये रहा 5 इंच, ये रहा 5 इंच। इन दोनों को हम लोग समझिए, इन दोनों को हम इसके लिए सतह के लिए मिला दीजिए, ये हमारा कट होके निकल जाएगा। इसे हम कट कर देते हैं, कट हो गया। और ये नीचे की साइड जो बंद है उसको हम लोग को खोल देना है, खोल दिया। ऊपर की साइड जो बंद है उसको हम लोग को खोल देना है। बड़े कपड़े में जितने से समझ नहीं पाओगे, छोटे कपड़े में समझ लोगे। देखिए ये हमारा नीचे की ओर था, ये ऊपर की ओर, इसको कटिंग करने बाद ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड। अब इसको हम लोग क्या करना है, ये कपड़े को इस तरफ फोल्ड करके ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा का कपड़ा है ये हमारा कट हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा कट होके निकल गया, क्योंकि नीचे की ओर गोलाई चाहिए। उसी तरह ये कपड़े को भी हम लोग नीचे की ओर से कट कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको हम लोग इस तरह डबल फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड करके देखिए जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम लोग कट कर देंगे गोलाई से। देखिए कट हो गया। आप देखिए स्टिच कैसे करना है, ये पार्ट एक साइड का है या दूसरे साइड का है, और इसके ये भी दो भाग का है, ये एक इस साइड हो जाएगा, इस साइड, ये इस साइड जॉइंट होगा। समझ आए फ्रेंड्स, ये आपका बेल्ट रहा, जितना जरूरत है जॉइंट करिएगा, उसके बाद बाकी को जर्बन बना दीजिएगा। आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। और कुछ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जो भी कोई मेरे चैनल में नए बने हो और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। माई क्रिएटिव्स मेरा यूट्यूब चैनल आया है। और थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग माई चैनल, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।